दिया। उसी सेवा का सुफल ये हुआ कि श्री तपस्वी जी मां को 72 दिन का संधारा हृदय में आया। गुरुदेव का सन 1948 का चातुर्मास सुनाम का स्वीकृत हुआ। इससे पूर्व सुनाम क्षेत्र श्री मयाराम जी मां की मुनि परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं था। वाचस्पति गुरुदेव सुनाम की अपेक्षा संगरूर को अधिमान देते थे। वहां पर कई चातुर्मास किए, दीक्षाएं की और मुनि सम्मेलन किए। वहां घर थोड़े होते हुए भी बाबू खूबचंद जी के कहने से चातुर्मास हेतु तैयार हो जाते थे, पर सुनाम कुछ उपेक्षित रहा। आज सुनाम क्षेत्र का जो यश गौरव और वर्चस्व है, उसकी आधारशिला गुरुदेव ने रखी थी और बाद में भी उसे सींच सींच कर उस पर धार्मिक प्रासाद का निर्माण किया। उस वर्ष वाचस्पति गुरुदेव का चातुर्मास पास में संगरूर में था। सुनाम में प्रारंभ में ही उत्साह पैदा हो गया और धीरे धीरे वह उत्साह क्रांति में परिवर्तित हो गया। जैनों में तो धर्म ध्यान और सामायिक संवर की ज्योति जगी ही, अजैन परिवारों में जो जैन धर्म के प्रति श्रद्धा बनी, वह पूरे इलाके के लिए अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व थी। सैकड़ों नए घर जैन धर्म से जुड़ गए। गुरुदेव दो समय प्रवचन करते, नई नई रचनाएं बनाकर सुनाते, सेवा का सारा भार संभालते। उपदेशों का ये आलम था कि त्याग वैराग्य प्रधान प्रसंगों को सुनकर श्रोता रोने लगते थे। स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, सनातनी, आर्य समाजी हर वर्ग के लोग गुरुदेव के प्रवचनों के दीवाने थे। श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज के वर्तमान में मूर्धन्य आचार्य श्री नित्यानंद जी की माता जी उस समय कुमारी थी। वे रोज प्रवचन में आती, गुरुदेव के वैराग्यपूर्ण प्रवचनों को सुनकर कहा करती कि यदि मैं लड़का होती तो आपके चरणों में दीक्षा लेती। बाद में उन्होंने साध्वी दीक्षा ली और सन 65 में लुधियाना में गुरुदेव के दर्शन भी किए। सुनाम चातुर्मास में जैन समाज का जो रूप निखरा, वह आज तक कायम है। पर जो सैकड़ों अजैन घर लगे थे, उनकी श्रद्धा कुछ स्थानकवासी संतों के क्रियाकलापों ने खराब कर दी। तेरापंथ समाज ने उसका लाभ उठाया और उनमें से अधिकांश तेरापंथी बन गए।